मैडम छोटा सा फंक्शन है और ये बहुत जरूरी है, कुछ ही लोग होंगे, और प्लीज आप अपनी फैमिली को हमारी तरफ से इनवाइट कीजिएगा। लेकिन मिस्टर तेज, आपको नहीं लगता कि ये सब बहुत जल्दी हो रहा है? आई मीन अभी तो हमने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। अजी ये सब कुछ आप हमारे ऊपर छोड़िए, बस आप अपनी फैमिली के साथ जरूर आइएगा। अब हम बुक के टाइटल और कुछ नोट्स के बारे में डिस्कस कर लें। ओके। इतनी बड़ी बात हो गई और तुझे मुझे बताया भी नहीं। अब समझ में आ गया है कि मेरी बच्ची मुझसे बातें छुपानी भी लगी है। पहले तो हर छोटी छोटी बात बताया करती थी। वही तो मैं कह रही हूँ आपसे माँ, मुझे फोन करने का इसीलिए तो टाइम नहीं मिला। इतना भी नहीं बता सकती थी कि तू व्यस्त है? जानती है ना मुझे, मेरी तो हर समय जान तुझ में ही अटकी रहती है। हर चीज से मन ही उखड़ गया था, डर लग रहा था कि पता नहीं क्या बात होगी। सुनिए तो नहीं सुनना है मुझे। हर बार सुनकर अपने मन को मना लेती थी, अब कुछ नहीं सुनना है मुझे। ऐसा लगता है जैसे तुझे मेरी परवाही नहीं है अब। माँ क्या हो गया है आपको, आप मुझे इतना भी नहीं समझती क्या? हाँ नहीं समझती हूँ तुझे, बिल्कुल नहीं समझती हूँ तुझे। जब मेरा चीकू बड़ा होकर तुझसे ये बात कहेगा ना कि माँ आप मुझे नहीं समझती, तब देखना ये बात दिल को कितनी चुभेगी। अच्छा माँ ठीक है, मुझसे गलती हो गई, अब आप प्लीज मुझसे इतना नाराज मत होइए ना, मैंने आपको कारण भी बताया ना। नहीं सुनना है मुझे। अंशु तेरा पेपर कैसे गया? ठीक। ठीक का मतलब क्या है, अच्छे से लिखा ना तूने? अंशु बेटा सारे सवाल कर तो लिए थे ना? सारे सवाल तो हल नहीं कर पाया, लेकिन अच्छा ही हुआ। चलो अच्छे से हो गया ना, अभी नेक्स्ट एग्जाम भी ऐसे अच्छे से दे दो। वैसे इसमें से तो काफी कुछ आता था ना तुम्हें, देखना मार्क्स अच्छे आएंगे। मेरा राजा बेटा थक गया होगा, लो शरबत पी लो। अंशु पहले हाथ मुंह धो लेना फिर पीना। जा ठीक है मैं आया। जी वो अक्षरा से बात हुई थी कल, उसकी किताब का विमोचन कार्यक्रम है। क्या बात कर रही हो बड़ी बहू, कौन सी पुस्तक? माँ वो कोई डायरी लिख रही थी अक्षरा। हाँ हाँ वो डायरी, वो छाप रही है। अरे वो नक्श के जन्म के दौरान लिखा करती थी, वो सच में छप रही है क्या? तुझे पता है इस बारे में? तो ठीक है कल हम दफ्तर से जल्दी आ जाएंगे, आप लोग तैयार रहिएगा। भाई कल तो नक्श के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट दिन है। मम्मी ने जो आपके लिए डायरी लिखी थी वो एक बहुत बड़ी किताब बनने वाली है। नहीं कल सबसे ज्यादा तालियां यही बजाने वाला है। क्यों नक्श, आप लोग बहुत मस्ती करेंगे ना? मुन्ना नक्श कैसे जाएगा बेटा, वहां तो इतने लोग होंगे, अनजानी जगह है, भीड़ शोर, छोटा बच्चा है परेशान हो जाएगा, और बहू तो वैसे भी कार्यक्रम में व्यस्त होगी, लल्ला को नहीं ले जाना चाहिए। लेकिन माँ नक्श का वहां रहना भी तो जरूरी है, देखिए आप होंगी हम सब होंगे, साथ मिलकर संभाल लेंगे। अक्षरा सिंघानिया जी कहिए। मैं धनुष प्रकाशन से आया हूँ, ये अक्षरा जी के लिए। जय अक्षरा देख लीजिए। भाभी माँ क्या है बेटा? निमंत्रण पत्र होगा। क्या है बहू?
इतना सब? हाँ, हमें तो पता ही नहीं था इतना भव्य आयोजन होगा। यहाँ तो बहुत रौनक लगी है। हाँ, और इतने हंगामे में हम लल्ला को ले आए।